अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, कबूतर के सारे शौकीन भाइयों। ये शोएब भाई उड़ीसा बरहमपुर से आए हुए हैं, खास करके हमारे लिए आए हैं रोज़ा रख करके रमज़ान के महीने में हमारा साइकिल भी लेने। ये हमारा आज से स्टूडेंट छोटा भाई और सागिर, तो ये अपना फैमिलीज करेंगे। पर अफसोस की ये बात है कि हम लोग मुँह मीठा नहीं कर सकते हैं कि दोनों अपन हम लोग भाई लोग रोजे से हैं बोल करके। अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं उड़ीसा बरहमपुर से हूँ। मेरा नाम है शोएब मलिक। मैं अपने बड़े दादा के पास आया हूँ शागिर्दी लेने के लिए, इनसे कुछ सीखने के लिए। आगे जाके इनका नाम इंशाल्लाह दुनिया के हर कोने में हमको बनाना है और सबको बोलना है कि हम नसीम दादा के पास से चीज़ ला के रख रहे हैं और उन्हीं का चीज़ हम जो भी है उड़ा रहे हैं, जो भी है उनसे हम सीख रहे हैं, उनसे ही हम बड़े हुए हैं, उनसे हम छोटे हैं, क्योंकि हमारे बड़े दादा हैं। ये एक जोड़ कबूतर भी ये तोहफा के तौर पर शौक करेंगे। ये एक जोड़ कबूतर का भी माशाल्लाह। और एक चीज़ ये बोलना है कि कोई भी भाई जो भी शौक कर रहे हैं, शौक कीजिए, अच्छे से शौक कीजिए, किसी एक अच्छे इंसान के साथ जुड़ करके शौक कीजिए, ईमानदारी के साथ शौक कीजिए। ईमानदारी को ताक पर मत रखिए, जिस इंसान में ईमानदारी की कमी है फिर वो इंसान नहीं है, बस ये बोलना चाहूँगा मैं। और जिसे भी आप अपना उस्ताद बनाइए, जिसे अपना टीचर बनाइए, तो ईमानदारी के साथ कोशिश को निभाइए। और हर उस्तादों को मैं कहूँगा, आप भी अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे जैसा, अपने शागिर्द को अपने औलाद जैसा मानिए। अच्छी सीख और अच्छी नॉलेज दें, ईमानदारी के साथ आप भी सारे उस्ताद ईमानदारी निभाएं, बस यही कहूँगा मैं। और जिससे भी जुड़ें पहले उसका पूरा बायोडाटा निकाल लें, वरना इतने इस लाइन में हो या मुरक के असील के लाइन में इतने चीटिंग बाज लाइन में घूम रहे हैं, ठीक है ना, दो चार पीस असील पाल करके इसके उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने का, कोई भी नामचीन शख्सियत के साथ फ़ोटो खिंचवाने का उसको इतना हवस है, वो सोचते हैं कि वो उनके साथ फ़ोटो खिंचवा के या उनके साथ कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खिंचवाने के बाद वो सोचते हैं कि वो भी वही बन गए। ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ईश्वर जो भी है सबको अपना अपना एक मुकाम दिया है, किसी को कोई मुकाम छीन नहीं सकता। या कोई गंदगी दूसरे अच्छे इंसान पर अपना कीचड़ उछालकर, गंदगी उछालकर उसे वो गंदा नहीं कर सकता। अल्लाह का वादा ये, और एक पर एक शख्सियत भी गुजरे हैं जिनके ऊपर कीचड़ उछाला गया पर उनके बुलंदियों में कोई कमी नहीं आया। तो ऐसे बहुत लोग बाग हैं, दो दिन का बच्चा लोग हैं, इधर उधर से खींच खाँच के दो चार दिन जानवर पाल पोस करके और इसको से गुलामी करके अपने आप को तिस्मार खाओ समझते हैं। और किसी भी सीनियर पर्सन के साथ फ़ोटो खिंचाना उनका जुनून है, बस वहीं तलक रह जाएंगे वो लोग, खुद सीनियर नहीं बन पाएंगे। तो पहले अपने आप को बुलंदी पर लेके जाइए, अपने माँ बाप से ईमानदारी निभाइए, अपने परिवार के साथ ईमानदारी निभाइए, तब आप शौक के साथ ईमानदारी निभा पाइएगा। और ईमानदारी भाईचारगी के साथ निभाइए, जिसके साथ जुड़िए उसके साथ ईमानदारी से भाईचारगी निभाइए, बस इतना ही कहूँगा मैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।